मन्ना सभंगा वयो। दोस्तों, इंडियन टीडीएस आर्मी अपनी ड्रीम कंट्री यानी कोरिया की हर न्यूज से अपडेटेड रहना चाहती है, और मैं भी आपको हमारी ड्रीम कंट्री की हर न्यूज से अपडेट करती रहती हूँ। तो हमेशा की ही तरह आज भी आपकी ऑनी और के ड्रामा दोस्त के पास आपके लिए एक मज़ेदार न्यूज़ है जो आपको खुश कर देगी। लेकिन इस न्यूज़ को हम आपके साथ शेयर करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आप इस बात को अच्छे से जानते ही होंगे कि मैंने आपको अब तक जितना कोरिया और इंडिया के कनेक्शन के बारे में बताया है उतना शायद ही आपने किसी और चैनल पर देखा होगा। और इसी के साथ आज मैं आपको के ड्रामा और दीपिका पादुकोण के कनेक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका का नाम आए दिन किसी न किसी रीजन से BTS के साथ जुड़ता रहता है। यहाँ तक कि के ड्रामा फैंस दीपिका और कोरियन एक्ट्रेस की एडिट वीडियोस भी बनाते रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडियन फैंस चाहते हैं कि जिस तरह दीपिका ने हॉलीवुड में इंडिया का नाम रोशन किया, उसी तरह कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी दीपिका इंडिया का नाम रोशन करें। और ऐसा सच होता दिख भी रहा है, क्योंकि कुछ दिन से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि दीपिका कोरियन वेब सीरीज में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। दोस्तों, अगर आप के ड्रामास देखते हैं तो आपने ट्रेन टू बुसान, कॉफी प्रिंस और गॉब्लिन जैसे लेजेंडरी शोज में लीड रोल प्ले कर चुके गोंग्यू को तो देखा ही होगा। हमारे जिन दोस्तों को नहीं पता उन्हें बता दें कि कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ बड़े एक्टर्स में से गोंग्यू भी एक हैं। और अगर आप गोंग्यू के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर बनी हमारी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगी। अगर इस वेब सीरीज की बात करें तो इस के ड्रामा में दीपिका गोंग्यू के साथ नजर आएंगी, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी वेब सीरीज है। अगर उनके रोल की बात करें तो वे इस वेब सीरीज में गोंग्यू की वाइफ की लॉयर का रोल प्ले करेंगी, यानी दीपिका सेकेंड लीड रोल में नजर आएंगी। हालांकि दीपिका या कोरियन मीडिया की तरफ से इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड जैसी बिग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में अपनी एक्टिंग से सभी को दीवाना बनाने वाली दीपिका क्या सच में इस वेब सीरीज में सेकेंड लीड रोल के लिए तैयार हैं? और अगर ऐसा है तो के ड्रामा लवर्स के लिए इससे बड़ी गुड न्यूज़ और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि के ड्रामा लवर्स इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कोरियन वेब सीरीज में सेकेंड लीड को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितना कि मेन लीड को। और ऐसा ही कुछ हम अभी 2021 की सुपर हिट वेब सीरीज स्क्विड गेम में भी देख चुके हैं, जहां अनुपम त्रिपाठी और अन्वेषा ने अपनी अमेजिंग एक्टिंग से इंडिया का नाम रोशन किया। साथ ही दीपिका के कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू के साथ ही अदर बॉलीवुड आर्टिस्ट के लिए भी काम करने के मौके भर जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही अपनी राय भी हमारे साथ शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, तो मैं तो बायो।